हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ हर्षद अप्पा। लेके एक नया वीडियो आज के लिए। आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक कॉर्न राइस। तो फटाफट चलते हैं मेरे किचन में। तो एक कॉर्न राइस बनाने के लिए मैंने लिए एक बाटी राइस। मैं दो प्लेट क्या राइस है। अभी इसको करते हैं कुकिंग। इसमें डालेंगे पानी। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल डालने से क्या होगा, ये एक दूसरे को चिपकेगा नहीं, ऐसे मुझे लगता है। तो डाल के देखते हैं। अब करके इसको बंद। अभी 3 सीटी होने तक इसको वेट करते हैं। अब मैंने ये ऑनियन काटा है लंबा लंबा, और ये टमाटर भी काटा है सारी पीस में। ये सब रेडी करते हैं। जिसको पहले कौन है वो छिलने का, कौन छिलने का सबसे बड़ा तरीका, इसको मोड़ दो और इसको ऐसा कैसे निकाल दो, पूरा निकल जाता है। देख सकते हैं जैसे सुखा होना चाहिए वैसे हुआ नहीं है। तो तेल कुछ काम नहीं कर रहा है। तो इसको मैं अभी सेपरेट करता हूँ अंदर ही, और इसको पैन के नीचे रख देगा। तो ठंडा होने तरह वो सेपरेट होते रहेगा। राइस पूरा एक दूसरे को पकड़ बैठा है। तो ऑयल कुछ काम नहीं किया। तो आपने जब बनाएंगे उसमें ऑयल में अंदर कुछ काम कर रही है। अभी बनाते हैं एग फ्राई। 2 चम्मच तेल डालेंगे, फोड़ेंगे 2 अंडा, और ये दाल वगैरह नहीं होता तो उसको फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा हलद। इसमें डाल देंगे टिक्का पाउडर। इसको करेंगे मिक्स अच्छी तरह से। इसमें डालेंगे ऑनियन, नहीं टमाटो, और डालेंगे ये कॉर्न। इसमें डालेंगे राइस जो मैंने पैन के नीचे रख दिया, वो लेके आते हैं। डालेंगे इसके ऊपर मीट। इस तरह से अपना बन गया एक कॉर्न राइस। टेस्ट।